नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं भगवान राम का बहुत ही फेमस भजन। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। आज इस भजन को हम छोटे छोटे भागों में बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता के साथ सीखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैंने और भी भजन सिखाए हुए हैं, आप उनको भी सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, और देर ना लगाते हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस भजन की, जो स्केल है उसकी। इसकी जो स्केल हमने ली है वो लिया है तीसरा काला, और वेस्टर्न के हिसाब से कहें तो एफ शार्प मेजर। तो एफ शार्प मेजर में जो स्वर यूज होंगे वो एक बार हम बजा कर देख लेते हैं। पहले देखिए, ओके, इन्हीं स्वरों में आपका पूरा भजन प्ले हो जाएगा। सबसे पहले सीखते हैं हम दोस्तों इस भजन का स्थाई, और स्थाई में सबसे पहली लाइन आती है जिस भजन में राम का नाम ना हो। तो इस लाइन को पहले हम हजाकर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ही इजी है। अब इस लाइन को छोटे छोटे भागों में सीखिए। सबसे पहला शब्द है जिस, तो जिसके लिए, जिसके लिए एक बार इसको और एक बार इसको, ठीक है। इसके बाद शब्द आएगा भजन में, तो भजन में के लिए, तो भजन में के लिए एक बार इसको, तीन बार इसको, ओके। उसके बाद शब्द आएगा राम का, तो राम का के लिए, राम का, यानी एक बार इसको, फिर इसको, फिर इसको, वापस इसको, ठीक है, राम का। उसके बाद शब्द आएगा नाम, तो नाम के लिए, नाम ना, देखिए, नाम ना, नाम ना के लिए एक बार इसको, फिर इसको, फिर एक बार इसको, फिर इसको, यानी एक बार इसको, दो बार इसको, एक बार इसको, नाम ना। और लास्ट में शब्द आएगा हो, तो हो के लिए, हो के लिए एक बार इसको, एक बार इसको। अब इस लाइन को आप कंप्लीट जब आराम से बजाएंगे तो ऐसी बस की आएगी। देखिए, ओके। अब आती है दोस्तों सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन के बोल हैं उस भजन को गाना ना चाहिए। तो पहले इस लाइन को भी हम हजाकर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहला शब्द आया है उस, तो उसके लिए, उसके लिए एक बार इसको, एक बार इसको, ठीक है। उसके बाद शब्द आया है भजन को, तो भजन को के लिए, भजन को, यानी एक बार इसको, दो बार इसको, एक बार इसको, ठीक है। उसके बाद शब्द आएगा गाना, तो गाना के लिए, गाना, ठीक है। उसके बाद शब्द आएगा ना चाहिए, ना चाहिए के लिए तीन बार आपको इस नोट को बजा देना है, ना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपकी सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी, और फिर से जो पहली लाइन है वो पहली लाइन रिपीट होगी, और आपका जो स्थाई है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब सीखते हैं दोस्तों में इस भजन का अंतरा। तो अंतरे में सबसे पहली लाइन आती है चाहे बेटा कितना प्यारा हो। तो इस लाइन को पहले हम बजाकर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है चाहे, तो चाहे के लिए,
चाहेंगे लिए एक बार इसको, ठीक है। उसके बाद शब्द है बेटा, बेटा के लिए एक बार इसको, दो बार इसको, ठीक है। फिर उसके बाद शब्द है कितना, तो कितना के लिए दो बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, ठीक है। उसके बाद शब्द है प्यारा हो, तो प्यारा हो के लिए प्यारा, प्यारा के लिए एक बार इसको, दो बार इसको, ठीक है। और लास्ट में हो के लिए एक बार इसको, ठीक है। तो यानी प्यारा हो के लिए एक बार इसको, तीन बार इसको, देखिए ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब सीखते हैं दोस्तों हम सेकंड लाइन को। तो सेकंड लाइन के बोल हैं उससे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। तो इस लाइन को भी पहले हम हजा कर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ईजी है, इसे देखिए। सबसे पहला शब्द है उसे, तो उसे के लिए, उसे के लिए एक बार इसको, एक बार इसको, ठीक है। उसके बाद शब्द आएगा सिर पे, तो सिर पे के लिए, सिर पे के लिए एक बार इसको, दो बार इसको, ठीक है। उसके बाद शब्द आएगा चढ़ाना, तो चढ़ाना के लिए, यानी तीन बार इसको और एक बार इसको, चढ़ाना, ठीक है। उसके बाद शब्द आएगा ना, तो ना के लिए, ना के लिए एक बार इसको, एक बार इसको। लास्ट में शब्द आएगा चाहिए, तो चाहिए के लिए, चाहिए के लिए एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको, ठीक है। इस तरह से आपकी जो सेकंड लाइन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन आती है, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। ये दो जो दोनों लाइन है दोस्तों, ये दोनों लाइन जो हमने स्टार्टिंग में जो लाइन सीखी है, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, बिल्कुल वैसी की वैसी है। लेकिन मैं फिर भी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए पहली लाइन कैसी है, चाहे बेटी कितनी लाडली हो, देखिए, यानी ये जो हमारी पहली लाइन थी, जिस भजन में राम का नाम ना हो, बिल्कुल वैसी की वैसी बजी है। और सेकेंड लाइन है, घर घर में घुमाना ना चाहिए, तो बिल्कुल जो सेकेंड लाइन जो हमने वो बजाई थी, बिल्कुल वैसी की वैसी बजी, देखिए। ठीक है, बिल्कुल ये दोनों लाइन हमारा जो स्थाई है पूरा, बिल्कुल स्थाई की तरह, जैसे स्थाई को सीख लेंगे बिल्कुल वैसी की वैसी रिपीट बच जाएंगी। तो इसलिए मैं इन दोनों लाइनों को नहीं सिखा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका जो स्थाई है वो पूरा रिपीट होगा। स्थाई के बाद फिर बाकी और अंतरे हैं वो भी आएंगे। तो बाकी अंतरे जो हमने ये जो अंतरा सीखा है, बिल्कुल इसी अंतरे की तरह बाकी जो और अंतरे हैं वो भी बच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।